अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है यहाँ पे दुबई में। आज यहाँ पे रेन भी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे बिजली भी चमक रही है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन असर का टाइम था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अभी शाम हो गई है, तो बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही थी। तो यहाँ पे तो कभी कभार बारिश होती है, तो ऐसे लगता है जैसे ईद का चांद बन जाती है बारिश। तो साल में एक आधी बार हो जाती है, वो भी ये खुद ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली रेन बहुत कम होती है, बिल्कुल कह सकते हैं होती ही नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। तो क्लाउड सीडिंग वगैरह करके ये यहाँ पर बारिश हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा ये जो अभी बारिश हो रही है बिल्कुल नेचुरल लग रही थी और बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही है, क्योंकि मुझे इससे डर भी लग रहा था काफ़ी। तो ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त वेदर है, बहुत इंजॉय किया, बाहर घूमने निकल गए क्योंकि बच्चे भी खुश हो जाते हैं जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे रेन स्टार्ट हो गई है। तो बच्चे तो पूरा साल वेट करते हैं रेन का, इस वेदर का, बल्कि सब वेट करते हैं, बड़े भी, क्योंकि हर तरफ ड्राइनेस और इतनी डस्ट उड़ती रहती है जब बारिश ना हो, बिल्कुल ड्राई वेदर होता है यहाँ पर। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे वेदर भी चेंज हो गया, काफ़ी टेम्परेचर यहाँ पे कम हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों इतनी शदीद गर्मी थी कि बिल्कुल बाहर नहीं निकला जा रहा था, और साथ में हब्स भी था, उसमें इंसान का दिल इतना घबराता है और बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास भी होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त शाम का टाइम था, बस होने वाला है जो कि मैं निकल गई पकौड़े लेने, क्योंकि जब पता चलता है कि रेन हो रही है तो घर में या तो फौरन ही कुछ बना ले, अगर घर में बनाने को दिल नहीं चाह रहा तो इंसान सोचता है कि बाहर जाके कुछ लिया जाए। तो घर के पास ही एक शॉप थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्नैक वगैरह मिल जाते हैं, तो बस बाहर निकलने का ये तो बहाना था, और क्योंकि रेन को इन्जॉय करना था, और पता ही नहीं होता ना कि रेन कितने टाइम के लिए और कब ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए जैसे ही स्टार्ट हुई तो फौरन साथ ही निकल गए बच्चों के साथ ही। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अभी भी आप देख सकते हैं कि बादल कितने गरज रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजली भी चमक रही है साथ साथ। तो ये पूरी सारी स्ट्रीट्स मैंने आज आप सबको दिखा दी कि यहाँ पे किस तरह माहौल बन जाता है जब बारिश होती है, लेकिन इसके दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड भी आ गया था, तो ये जो एरिया था ये ज़रा पीसफुल है और साफ़ सुथरा है। तो यहाँ आराम से वॉक मैं कर रही थी, साथ साथ आप सबको मैं दिखा रही हूँ यहाँ का वेदर भी और यहाँ की स्ट्रीट्स वगैरह भी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है और बहुत विंडी सा वेदर है और क्लाउड्स भी काफ़ी हैं, हल्की हल्की बारिश साथ साथ हो रही है। अम्ब्रेला कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, कभी नहीं कर लेती, क्योंकि मकसद तो बारिश को इन्जॉय करना है। तो यहाँ पे सारे लोग जैसे ही उनको पता चला कि रेन स्टार्ट है, तो बहुत सारे लोग हल्के हल्के निकलने शुरू हो गए, और बच्चों ने तो बुरा ही हाल कर दिया। यहाँ पे देखा तो पानी में खेल रहे थे, वो पानी पता नहीं कहाँ से होके आया था, तो उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि करना क्या है, तो माएँ ले लेके अपने बच्चों को बाहर निकली हुई थी, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। खैर, बच्चे तो बच्चे हैं, वो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं कभी कभार। ये देखें कितना ज़बरदस्त और नीट एंड क्लीन, बिल्कुल हर चीज़ साफ़ शफाफ धुल के जैसे निखर आई हो, ये आप देख सकते हैं। ये असर का टाइम है, लेकिन लाइट्स ऑन करनी पड़ी क्योंकि बहुत ही डार्क हो गया था, बहुत ही घने बादल आ गए थे और अच्छा मौसम हो गया था। तो ये बाहर एक मस्जिद थी, उसके साथ ही ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी सी भी है, जो कि और ख़ूबसूरत लग रही है इस मौसम में, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरी आज ये वेदर, अच्छे वेदर की और बारिश की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखें, चलें एंजॉय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।